प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में हम लोग रिकर्शन डिस्कस कर रहे हैं और आइए हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। मान लीजिए कि आपको एक नंबर गिवन है 1, 2, 3, 4 और आपको इस नंबर्स का नंबर के डिजिट्स का सम फाइंड करना है। तो अगर आपको नंबर के डिजिट्स का सम फाइंड करना है तो सबसे आसान तरीका क्या होता है कि हम लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर लें, उसको सम में ऐड कर लें, देन हम सेकेंड लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर लें और सम में ऐड कर लें, देन थर्ड लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर लें और सम में ऐड कर लें, देन फर्स्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर लें और सम में ऐड कर लें और फाइनली इस सम को रिटर्न कर दें। इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे फाइंड करने के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा हम आइटरेटिव कोड लिखते हैं एंड देन उसी आइटरेटिव कोड को हम कन्वर्ट कर देंगे रिकर्सिव कोड में। मान लीजिए कि जो नंबर हमारा गिवन है वो n है और हमने एक रिमाइंडर और सम ले रखा है, सम को हमने 0 से इनिशलाइज कर दिया है और जब तक मेरा नंबर 0 ना हो जाए तब तक हम क्या करते हैं कि इस नंबर को रिड्यूस करते रहते हैं। सबसे पहले हम रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं एन मॉड्यूलस 10 से, इससे मुझे लास्ट डिजिट मिलेगी और उस लास्ट डिजिट को हम सम में ऐड कर देते हैं एंड देन एन को एक डिजिट रिड्यूस कर देते हैं। तो अगर मेरा नंबर पहले 1, 2, 3, 4 था तो अब नंबर 1, 2, 3 रिड्यूस हो जाएगा एंड में 1, 2, 3 आ जाएगा। फिर हमें इससे 3 मिलेगा एज ए रिमाइंडर, 1, 2, 3 से नंबर को फर्दर रिड्यूस कर देंगे 12। फिर रिमाइंडर फाइंड करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, उसको हम सम में ऐड कर देंगे एंड डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 1 मिलेगा। नंबर अभी 0 नहीं हुआ है तो हम फिर से इसमें रिमाइंडर फाइंड करते हैं, मुझे 1 मिलेगा, उसको हम सम में ऐड कर देंगे और 1 को डिवाइड बाय 10 करेंगे तो नंबर 0 हो जाएगा। अपने प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे और जो भी हमारे एन की वैल्यू है, सम की वैल्यू है, वही मेरा सम ऑफ डिजिट्स। अगर हम इसको रिकर्सन में कन्वर्ट करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि हम नंबर को बार बार एक डिजिट से रिड्यूस कर दे रहे हैं और जो भी रिमाइंडर है हम उसको ऐड कर दे रहे हैं प्रीवियस सम। और अगर नंबर 0 हो गया है तो सम हम रिटर्न कर देते हैं 0। तो हमने एक बेस कंडीशन बनाया कि अगर मेरा नंबर 0 हो गया है तो हम 0 ही रिटर्न कर देते हैं, अदरवाइज हम क्या रिटर्न कर रहे हैं। सबसे पहले रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं। तो रिमाइंडर अगर n है नंबर मेरा, n मॉड्यूलस 10 से मुझे रिमाइंडर मिलेगा और प्लस कर देंगे इसमें, अगर हमने फंक्शन बनाया है सम ऑफ डिजिट्स को SOD, तो इसमें हम पास कर देते हैं n डिवाइडेड बाय 10 जिससे कि नंबर एक डिजिट रिड्यूस हो जाएगा। तो ये पार्ट रिमाइंडर वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट जो है वो नंबर को रिड्यूस करते हुए पार्ट है। तो यही मेरा रिकर्सिव फंक्शन बन जाएगा। आइए इसको हम कोड करके देखते हैं। एक नया फंक्शन बना लेंगे, लेट्स से सम ऑफ डिजिट्स नाम का फंक्शन है जिसमें एक नंबर एन पास हुआ है और उसके बाद इसी नंबर का सम ऑफ डिजिट्स हमें फाइंड करना है। तो हमने एन लिया और यूजर से इनपुट करा लिया वो नंबर जिसका हमें सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करना है। सम ऑफ डिजिट फंक्शन को कॉल किया और इसमें एन को पास कर दिया और इसको किसी वेरिएबल एक्स में एक्सेप्ट करा लिया एंड फाइनली इस एक्स को प्रिंट कर दिया, रिटर्न कर देंगे इस रिटर्न 0। सम ऑफ डिजिट्स फंक्शन को लिखते हैं। बेस कंडीशन सबसे पहले लिख लेते हैं कि अगर एन की वैल्यू 0 है तो हम रिटर्न कर देंगे 0, अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे। पहले रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं एन मॉड्यूलस 10 से, प्लस इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं सम ऑफ डिजिट्स एन डिवाइडेड बाय 10, सिंगल पैरामीटर में इसको क्या पास कर रहे हैं। रन करके देखते हैं इसको। मान लीजिए कि मेरा नंबर है 1, 2, 3, 4, इसके डिजिट्स का सम 10 हुआ। एक और नंबर ले लेते हैं, तब से मेरा इनपुट है 3, 2, 5, इसका 5 + 4 + 3 12 हो गया। एक और नंबर लेकर टेस्ट करते हैं इसको। दूसरा नंबर मेरा है 4, 3, 5, 1, तो द आंसर इज 13 बिकॉज 4 + 3 = 7 + 5 = 12 एंड + 1 = 13। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा। एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।